दोस्तों, हिंदुस्तान में जाति प्रथा के नाम पर एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान पर बहुत अत्याचार हुआ था। एक इंसान ने जाति प्रथा के नाम पर दूसरे इंसान से भेदभाव किया, अत्याचार किया, ना इंसाफी की। ये एक काला सत्य है। मेरी वीडियोस पे मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने जाति प्रथा के बारे में क्यों कहा है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय के 13वें श्लोक में बताया है, श्री कृष्ण ने स्वयं गुणों और कर्मों के अनुसार चारों वर्णों की रचना की है। अब इसका अर्थ लोग ये निकालते हैं, श्री कृष्ण ने कहा है उन्होंने खुद जाति प्रथा बनाई है। अब सवाल उठता है, अगर श्री कृष्ण भगवान हैं, तो वो ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? इंटरनेट पर आपको कुछ आर्टिकल्स और वीडियोस भी मिल जाएंगे जो ये सब दावा करते हैं। तो आज ऐसी ही वीडियोस और आर्टिकल जो श्रीमद् भगवद गीता को बदनाम करने की नाकामयाब कोशिश करते हैं, ये कहकर कि गीता के 4th अध्याय के 13वें श्लोक में जातिवाद की बात की है, उनको इस वीडियो से जवाब मिल जाएगा। और ये बातें कितनी साइंटिफिक हैं, कितनी आज भी एप्लीकेबल हैं, इसका उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल में पहली बार प्रवेश करें हैं तो घंटी बजा दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। तो जानेंगे वर्ण व्यवस्था की बात श्रीमद् भगवद गीता में कही ही क्यों गई है। तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, इस बात को समझने के लिए हम छंदोग्य उपनिषद में वर्णित एक कहानी को सुनते हैं। इस कहानी से आपको सभी कुछ समझ आ जाएगा। तो सीधा आते हैं कहानी पर। प्राचीन काल में अनेक स्त्रियां धनी लोगों के पास सेविका का काम करती थीं। उन्हीं में से एक स्त्री जिसका नाम ज्वाला था, उसने युवा अवस्था में एक बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम सत्यकाम रखा गया। उस समय सभी बच्चे गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। जब सत्यकाम भी पढ़ने के योग्य हो गया तो उसने अपनी माँ से कहा, अब मैं भी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने पुत्र को गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दे दी। जब सत्यकाम गुरुकुल में गुरुजी से मिला तो गुरुजी ने सत्यकाम का गोत्र पूछा। सत्यकाम वापस माँ के पास घर आया और माँ से पूछा कि उसका गोत्र क्या है। माँ पहले तो कुछ देर चुप रही। माँ सोच में पड़ गई कि वो कैसे अपने पुत्र को सब सच सच बता दे। सत्यकाम ने माँ से फिर पूछा, माँ मेरा गोत्र क्या है। माँ ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मैं खुद भी नहीं जानती तुम्हारा गोत्र क्या है। सत्यकाम ने भोलेपन से पूछा, क्यों माँ, पिताजी ने आपको नहीं बताया कि उनका गोत्र क्या था। जबला कुछ शर्मिंदा होकर कहने लगी, मैं युवावस्था में अनेक धनी लोगों के यहाँ सेविका के रूप में काम करती थी, तभी मैंने तुम्हें प्राप्त किया है। इसीलिए मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकती कि तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम्हारा गोत्र क्या है। मुझे तो केवल इतना पता है, तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी माता। सत्यकाम ने कहा, माता जी गुरुकुल में गोत्र तो पूछेंगे ही, तो मैं क्या जवाब दूंगा। हर किसी को गुरुकुल में शिक्षा नहीं दी जाती। माँ ज्वाला ने जवाब दिया, मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ, मैं तुम्हारी माँ ज्वाला हूँ और तुम मेरे पुत्र सत्यकाम। इसलिए जब गुरुकुल में तुम्हारे से गोत्र के बारे में पूछा जाए तो तुम अपने को सत्यकाम ज्वाला बताना। सत्यकाम माँ की बात सुनकर चिंता मुक्त हो गया और फिर वो पढ़ने के लिए गौतम मुनि के आश्रम में पहुँच गया और जाकर बोला, गुरुजी मैं आपकी सेवा में रहकर और ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। ये बात सुनकर गौतम मुनि ने कहा, बालक मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हारा गोत्र बताओ और तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है। जिस बात का डर था वही हुआ। कुछ क्षण के लिए तो सत्यकाम झिझका, परंतु फिर सत्यकाम ने निश्चय किया कि वो बिना डरे गुरुजी को सब कुछ बता देगा। सत्यकाम ने बिना डरे गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं किस गोत्र से हूँ मैं नहीं जानता, और मैंने जब अपनी माँ से अपने गोत्र के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वो स्वयं भी नहीं जानती मेरा गोत्र क्या है। मेरी माँ ने मुझे बताया है कि वो कई धनी लोगों के यहाँ काम करती थी, उसी समय मेरा जन्म हुआ। वो नहीं जानती मेरे पिता कौन है और मेरा गोत्र क्या है। मेरी माता ने बस इतना कहा कि मैं सत्यकाम ज्वाला हूँ, इसलिए हे गुरुवर आप मुझे सत्यकाम ज्वाला ही समझें। गौतम मुनि सत्यकाम की सत्यवाणी से बेहद प्रसन्न हुए और कहने लगे, सत्य कहना बड़े ही साहस का काम है। निसंदेह तुम्हारे सत्य बोलने के कर्म से ही पता लग जाता है कि तुम्हारा गोत्र क्या है, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा अवश्य दूंगा। दोस्तों, श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय के 13वें श्लोक में यही कहा है, मैंने गुणों और कर्मों के अनुसार
चारों वर्णों की रचना की है। सत्यकाम ने सत्य बोला, ये उसका कर्म था और उसका गुण भी। असल में इस श्लोक में श्री कृष्ण ने जाति की बात नहीं की, वर्ण की बात कही है। और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वर्ण एक व्यक्ति के तीन गुण और कर्म से जाना जाता है। और अगर हम आज के मॉडर्न जमाने की बात करें तो इसको हम डिवीजन ऑफ लेबर या कार्य का विभाजन के नाम से जानते हैं। यदि एक व्यक्ति लड़ाई करने में अच्छा है तो उसको गुणों के हिसाब से फौज में जाना चाहिए और इस व्यक्ति को हम क्षत्रिय कहेंगे। जन्म से कोई भी व्यक्ति क्षत्रिय नहीं होगा और इस बात को आज भी हम मानते हैं। अगर एक व्यक्ति किसी एक चीज में अच्छा है तो उसको अपना करियर उसी चीज में बनाना चाहिए। अब हर कोई लड़ाई तो कर नहीं सकता, हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, हर कोई अध्यापक नहीं बन सकता। आप जिस किसी भी चीज में अच्छे हैं आप उसी पर जोर दीजिए, उसी फील्ड में काम कीजिए। हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति अपने कर्म और गुण बदल ले तो उसका वर्ण भी बदल जाएगा। यही है जिसको हम मॉडर्न भाषा में डिवीजन ऑफ लेबर मानते हैं। तो वीडियो को औरों के साथ प्लीज शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।